Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Master God. धन्यवाद हो आबा परमेश्वर, धन्यवाद हो आबा परमेश्वर, धन्यवाद हो यहवे परमेश्वर. थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट. ओ रिबा खला रहा सिया सोखो बरो को हृदय निकल रहा सियां स्तोखो बरो हृदय निकल रहा तनखा हसे के बिरे के तिनखा न महा सियां स्तो रहते निखा न महा शेखेरे बिरे के तिनखा सियां स्तो. मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे अब्बा पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ. यहवे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमको अंधकार की जगत से छुड़ा कर लाया. धन्यवाद करती हूँ तेरे बेटे का लहू देकर तूने हमें अंधकार के राज्य में से निकाल कर लाया है. यीशु मसीह का लहू देकर तूने हमारे पाप और अपराध को क्षमा करके हमको प्रकाश के राज्य में लेकर आया है. अंधकार के राज्य से हमको हमेशा के लिए तूने अलग किया है. अंधकार की डेस्टिनी पिता अनंत काल का आग है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर तूने अनंत काल के जीवन के लिए डिस्टाइन किया. हमको डिस्टाइन किया तूने, हमें डेस्टिनी दिया. हमारी डेस्टिनी बदल कर तूने हमें अनंत काल के जीवन की डेस्टिनी दी है. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. अब्बा पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी करुणा के कारण परमेश्वर, तेरे बड़े दया के कारण परमेश्वर. हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है, हमने यीशु मसीह को गले लगाया है, हमने यीशु मसीह को चूमा है, हमने यीशु मसीह को आदर किया है, हमने यीशु मसीह को तेरा इकलौता प्रिय पुत्र मानकर हमने उसके पीछे चलना पिता पसंद किया. तेरी दया के कारण प्रभु, ये ना बल से ना ताकत से पर तेरे आत्मा के कारण ये सफल हो रहा है. खुदा हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हमारे गुनाहों को तूने परमेश्वर, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया परमेश्वर. हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर. हमारे सारे पीढ़ियों के गलतियां, हमारे सारे वंश परंपरा के द्वारा आई हुई गलतियां जो तुझे भाने वाला नहीं था, ऐसा सब कुछ परमेश्वर तूने माफ कर दिया. तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने माफ कर दिया. तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें इतना संभाला परमेश्वर कि जगत के उत्पत्ति के पहले से तूने हमारे लिए परमेश्वर पिता योजना बना के रखी थी. हम परमेश्वर माँ के गर्भ में रहते समय ही तूने हमें नाम लेके बुलाया था. हमें परमेश्वर तेरे उद्देश्य से तूने इस पृथ्वी पर लाया है. हम तेरे सारी बातों को अब जानते हैं खुदा. हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम पूरे मन से तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमें तूने चुना है खुदा. किसी को परमेश्वर पिता तेरी ओर आने का रास्ता नहीं मिलेगा जब तक तू उसके ऊपर परमेश्वर रहम ना करे खुदा. जब तक तू उसके ऊपर रहम ना करे परमेश्वर, वो रास्ता नहीं पा सकता है खुदा. वो यीशु के बारे में सुनना भी खुदा परमेश्वर, ओ मेरे पिता, वो परमेश्वर पिता उसके पास तक नहीं जाएगा. वो खबर भी नहीं जाएगी यीशु मसीह प्रभु है. मेरे अबा पिता परमेश्वर, ये सब कुछ तेरी दया के कारण हो रहा है परमेश्वर. ये तूने दया किया है परमेश्वर, इसलिए हमने तेरे नाम को जान लिया है और तू हमारे साथ चल रहा है खुदा. हमारे मध्य में तू उपस्थित है परमेश्वर. तेरे सामर्थ्य के साथ तू हमें तेरे चमत्कार दिखाता है. तेरे आनंद और हर्ष से, हर्ष के तेल से तू हमें अभिषेक करता है और हमारे प्याला, जीवन का प्याला हमारा उमड़ता हुआ बहता है. हमारे शत्रुओं के सामने तू हमारे लिए मेज को बिछाता है और हमारे सर को तूने तेल के अभिषेक से चुपड़ा है. हमें टट के तेल से चुपड़ा है. हम जैतून के समान हरियाली से भरे हुए तैलीय पत्ते हैं और हम अपने अपने समय में फल देने वाले ऐसे वृक्ष है जो पानी के पास लगाए जाते हैं. मेरे परमेश्वर, हम वो परमेश्वर पिता नदियों के झरने से भरे हुए हैं जो परमेश्वर पिता जीवन का पानी कहलाता है. मेरा परमेश्वर, हमारे अंदर तूने ये सब कुछ महान काम किया है. ये सब कुछ अद्भुत काम तूने किया है परमेश्वर. हमारी बिगड़ी सूरत को तूने एक दिशा, एक अच्छा नक पिता, एक अच्छा परमेश्वर पिता हमारे
जीवन को, बिगड़े हुए सूरत को एक अच्छा खूबसूरत सा परमेश्वर, एक नजारा दिया खुदा। एक परमेश्वर हमारे जीवन को तूने एक खूबसूरत ऐसा परमेश्वर तराश के तैयार किया। हम इस पिता बिगड़ी हुई हालत में परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आने के काबिल भी नहीं थे खुदा, हम तुझे जानने के काबिल भी नहीं थे परमेश्वर, लेकिन ये तेरी बड़ी दया के कारण हुआ है खुदा, ये तेरी बड़ी दया के कारण हुआ है परमेश्वर। पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये तेरे बड़े दया के कारण हमने तुझे जाना खुदा, ये तेरे बड़े दया के कारण प्रभु यीशु मसीह का को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे पिता परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता हमारे सारे जो अदृश्य में है आत्मा प्राण प्रभु उसके ऊपर काम किया है खुदा, तूने उसके ऊपर काम किया है परमेश्वर पिता। हमारे आत्मा के अंदर से शैतान की आत्माओं को हटा दिया और उसके अंदर परमेश्वर का खूबसूरत पवित्र आत्मा रख दिया और हमारा जीवन खूबसूरती से भर दिया परमेश्वर। एक सुगंधी ऐसा तुझे भाने वाला परमेश्वर, बलिदान करने वाला ऐसा परमेश्वर तूने हमारे आत्मा में परमेश्वर तेरा आत्मा भर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, हम पवित्र आत्मा को गले लगाते हैं, हम पवित्र आत्मा को चूमते हैं, हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए तूने हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा दिया है, तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा, तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे नमन करते हैं पवित्र आत्मा, तुझे नमन करते हैं और हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं। हमारे आत्मा के अंदर आके निवास करने का तूने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और तू आया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब तू हमारे आत्मा के अंदर है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू हमें प्रार्थना करना सिखाता है, तू हमें प्रार्थना के शब्द देता है, तू हमारे अंदर से प्रार्थना कर सकता है और परमेश्वर को तू आवाज दे सकता है। तू हमें प्रार्थना और वचन सिखाने के लिए आया है, तो हमें जब प्रार्थना करना नहीं आता है तब हमारे अंदर से तू प्रार्थना करता है, व्याकुल हो कर तू प्रार्थना करता है और हम प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के द्वारा जवाब पाते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हमें वचन सिखाने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमें परमेश्वर का वचन सिखाने वाला, उस वचन को हमारे अंदर वो जीवित करने वाला ऐसा पवित्र आत्मा हमारे लिए हमें परमेश्वर ने हमारी आत्मा में भर के दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा आत्मा खाली नहीं है, हमारा आत्मा वैकेंट नहीं है, हमारे आत्मा में और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, हमारा आत्मा केवल परमेश्वर के लिए है, हमारा आत्मा आराधना करने के लिए चुना गया है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए चुना गया है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो हमें ढूंढ लिया, जिसने यूहन्ना की पत्री में लिखा था 4 अध्याय में कि मैं आत्मा और सच्चाई से आराधक करने वालों को ढूंढता हूँ, वैसा ही वो पूरा कर दिया गया। हम ढूंढ लिए गए हैं, हम प्राप्त कर दिए गए हैं, परमेश्वर ने हमको प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, हमारा आत्मा नॉट फॉर सेल है, हमारा आत्मा अब कोई भी शैतान की दुनिया में किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ के लिए नहीं है, हमारा आत्मा परमेश्वर के लिए है, हमारा आत्मा परमेश्वर ने वो आजाद कर दिया है और उसका भविष्य अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए सील कर दिया है। पवित्र आत्मा सील बनकर आया है, हमारा आत्मा आजाद हो चुका है, हमारे आत्मा के साथ ओ परमेश्वर तेरा व्यवहार बड़े दया से हुआ है खुदा, तेरा व्यवहार एक अद्भुत चमत्कार सा हो गया है खुदा, ये तेरा व्यवहार जो समझ पाता है खुदा वो तुझसे बहुत प्यार करता है खुदा, वो तुझे आदर करते ना थकता है और वो तुझे धन्यवाद करते ना थकता। ओ मेरे परमेश्वर, ये दाऊद के बारे में हुआ है खुदा, ये दाऊद की पूरी परमेश्वर जो भजन के गीत है परमेश्वर वहां सब जगह
उसने तुझे पहचाना है, और वो आत्मा तुझे परमेश्वर आदर करता हुआ उसके शब्दों में से हम पढ़ सकते हैं। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि जो दानियल के शद्रक मेशेक अबेदनेगो के जो पिता तेरे साथ संबंध थे, जो तरह से उन्होंने तुझे समझा था, वो तरह से हमने देखा कि तूने उनको कितनी बड़ी विपत्ति में एक बड़ा चमत्कार कर दिया। और हमने देखा तूने इज़राइलों को कैसे छुड़ाया, और तूने तूने ऐसा परमेश्वर चमत्कार करके फारो के हाथों से इज़राइल में से छुड़ाया, इज़राइल को छुड़ाया मिस्र में से। मेरे खुदा परमेश्वर, ये सब कुछ तूने कितना कितना परमेश्वर महापराक्रमी होकर तूने ये काम किया। और मेरे खुदा, हम देखते हैं परमेश्वर, पूरी बाइबल में हम देखते हैं खुदा तेरे बड़े बड़े चमत्कार, तेरे अद्भुत अद्भुत चमत्कार। जब इज़राइल के विरोध कोई चढ़ाई करके आता था, तो परमेश्वर तो किस तरह से भविष्यवक्ताओं को भेजकर उनकी सहायता करता था, मार्गदर्शन करता था, और इज़राइलों को तो सहायता मार्गदर्शन देकर जीतने का रास्ता देता था। और वहां पर परमेश्वर, दाऊद ने कबूल किया, ये कोई हमारे वेपन्स के कारण हम जीत नहीं रहे हैं, ये परमेश्वर के कारण हम जीत रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए हम जीत रहे हैं। मेरे परमेश्वर, शाऊल के पास जो राजा था, शाऊल सब हथियार थे मेरे खुदा, उसके पास सब हथियार थे, लेकिन परमेश्वर तू नहीं था। उसके पास इजरायली सैनिक थे परमेश्वर, और इजरायली सैनिकों के पास तू था परमेश्वर, तू उनके साथ था परमेश्वर, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, वो समय ऐसा था कि उनका मन कच्चा हो चुका था गोलियात को देखकर मेरे परमेश्वर। और उसमें से हम समझ पाते हैं परमेश्वर, जो शाऊल राजा के पास, राजा बनने का जो उसके पास हियाव था, उसके पास एक परमेश्वर राजा बनने का घमंड था, और घमंड में उसकी ताकत थी, उसका ऐश्वर्य था, उसका बहुत कुछ था परमेश्वर उसके अंदर। और पिता, उसके पास बहुत सारे वेपन्स भी थे, हथियार भी थे शत्रु के विरोध चढ़ाई करने के लिए, लेकिन गोलियात का जब उनको सामना करने का जो पिता परमेश्वर आवाहन मिला था, उस समय वो खुद भी परमेश्वर, राजा शाऊल वो खुद भी परमेश्वर मन कच्चा कर गया, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर, उसको पता चला कि मेरे पास ऐसा बल नहीं है कि गोलियात को गिरा सके। लेकिन इजरायली सैनिक होते हुए भी परमेश्वर, इजरायल के अंदर ये हिम्मत नहीं थी मेरे खुदा कि वो गोलियात का सामना कर सके और उनके उनके राज्य को बचा सके। मेरे परमेश्वर पिता, तू इतना महान है कि तू दाऊद के साथ था, और कारण दिया तूने दाऊद को कि जा और वहां जाकर तू भाइयों को रोटी देकर आ। मेरे खुदा परमेश्वर, तूने ये कारण उसको बना के दे दिया, और वो वहां पर गया, और खुदा उसने गोलियात के आवाहन को समझा, और खुदा वो भड़क उठा कि मेरा परमेश्वर को ये गोलियात ललकार रहा है। तो यहोवा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर को गोलियात ललकारता है, तो क्या होता है, वो हमने उसे मार डालने के बाद में, गोलियात को मार डालने के बाद में, हमने परमेश्वर हिम्मत को पाया कि सच में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। वो कोई भी इंसान आके हमारे जीवन के अंदर के गोलियात को मारना जानता है। मेरे परमेश्वर, हमारे मन को कच्चा करने के लिए जो भी शैतान के षड्यंत्र लगे हैं, मेरे अब्बा पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे लिए दाऊद के समान कोई तो भेज दे परमेश्वर, ताकि मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे मन कच्चा होने के कारण खुदा वो हमारी मदद कर सके, और हमें डराने वाले गोलियात से छुड़ा सके। मेरे परमेश्वर, हमारे आनंद को छुड़ा सके। मेरे अब्बा पिता, हमेशा हमेशा हमें ऐसा ही परमेश्वर तू संभालते रहना। तूने मूसा को भेजा था इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, और तूने परमेश्वर दानियल के लिए, शद्रक मेशेक अबेदनेगो के लिए तूने ऐसा प्रोटेक्शन बनाया खुदा कि ना वो भूखा शेर दानियल को खा सका, और ना शद्रक मेशेक अबेदनेगो जल गए, और उनके साथ तो और एक चौथा इंसान भी पाया गया, और वो आग की बू तक उनके कपड़ों में नहीं लगी थी। मेरे परमेश्वर, ये प्रोटेक्शन
तू मेरे मसीह भाई बहन और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर के सब जगहों को, हमारे सब कुछ को, तू हमारे सारे व्यवहार को, तू ये प्रोटेक्शन दे परमेश्वर। मेरे आबा पिता, ये प्रोटेक्शन हमको चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि हम खुदा कोई भी शैतान के चैलेंजेस में हार नहीं खाएंगे। खुदा हमको मदद करने वालों को आजाद कर परमेश्वर, हमारे लिए पिता गोलियात को ललकार कर खुदा उसे हटा देने वाले लोगों को तू तैयार रख खुदा, हमारे प्रोटेक्शंस के लिए तू तैयार कर खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर कहीं पर भी रहे, हम कभी भी शैतान की चलाकियों से ना डरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, हम कभी भी पिता परमेश्वर शैतान की बातों के ऊपर पिता विश्वास ना करें, क्योंकि ये दो बातें हम हमेशा याद रखें कि तूने किसी ना किसी को भेजकर तूने इज़राइलों को बचाया है, और दूसरी बात तूने उनको प्रोटेक्शन वॉल्स दिए हैं। मेरे आबा परमेश्वर, ये दो बातें हम तेरे से प्राप्त कर चुके हैं खुदा, हमारे प्रोटेक्शन वॉल्स तूने बनाया है खुदा, और हमें परमेश्वर पिता मदद करने वालों को तूने ठहराया है परमेश्वर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हम आशा खोने के लिए नहीं है पृथ्वी के ऊपर, हमारे साथ परमेश्वर है। और इज़राइल के साथ जो शाऊल राजा था, उसकी जो सैनिक थे इज़राइल, उनके साथ भी परमेश्वर वो तेरे ही संतान थे, इज़राइली तेरी ही जाति थी, लेकिन फिर भी मन कच्चा हो गया, क्योंकि उनके पास परमेश्वर तेरे उपस्थिति का अनुभव नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ये दाऊद के साथ वो अनुभव आया था, और उस अनुभव आने के कारण मेरे खुदा परमेश्वर उसने गोलियात को हटा दिया। मेरे परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन जो इज़राइल के सैनिक, इज़राइली सैनिक बनकर बैठे थे शाऊल राजा के राज्य में, और फिर भी वो गोलियात से लड़ नहीं पा रहे थे, वो अवस्था को तो बदलने के लिए आज मैं तेरे से विनती कर रही हूँ खुदा, वो अवस्था को तो बदलने के लिए मैं तेरे से विनती करती हूँ आबा पिता। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं कि वो अवस्था बेकार है परमेश्वर, जहां पर गोलियात खड़ा हो जाता है और इज़राइली सैनिक है, फिर भी परमेश्वर पिता वो तेरे ज्ञान से परे है, तेरे सोच से परे है, तेरे से दूर है। मेरे आबा परमेश्वर, ये हमारे साथ नहीं रहना है खुदा, हमारे अंदर से वो खालीपन हटा दे खुदा, वो पाप के सारे परमेश्वर कारण हटा दे खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे सारे पिता जो भी अवस्थाएं हैं, जो पिता हम तुझे पिता महसूस नहीं कर सकते हैं, हम तुझे समझ नहीं पाते हैं, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में तेरे आधार हम देख नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर तेरी सामर्थ्य का पहचान रख नहीं पाते हैं। मेरे परमेश्वर, वो अवस्था को तू बदल दे खुदा, वो अवस्था तू बदल दे परमेश्वर, ये शर्मनाक अवस्था है खुदा परमेश्वर। अगर कोई पिता परमेश्वर किसी भी संकट या कोई भी शैतान के द्वारा सताया जाता है, तो मेरे खुदा उनको छुड़ाने का सामर्थ्य दाऊद की तरह हमारे अंदर से बहने दे परमेश्वर, हमारे अंदर से बहने दे यीशुआ। हम तेरे से विनती करते हैं कि हम खाली ऐसे ही देखने वाले ना बने खुदा, कि हमारे लिए कोई छुड़ाने वाला आएगा, लेकिन हम खुद तैयार हो जाए परमेश्वर, हम खुद तैयार हो जाए कि हम दूसरों को छुड़ाए खुदा, हम छुड़ाने के लिए पिता हम आगे अपने आप को बढ़ाने वाले रहे खुदा, हम कभी भी संकट को देख कर पीछे मुड़ने वाले ना बने खुदा, हम कभी भी पिता हौसला खोने वाले ना बने। जो तेरी ओर से, तेरे ऊपर से दृष्टि हटाता है खुदा, तब वो परमेश्वर मन कच्चा हो जाता है, लेकिन जो तेरे ऊपर दृष्टि रखता है उसका मन कभी कच्चा नहीं होता है खुदा। दाऊद ने सदैव तेरे ऊपर अपनी दृष्टि लगाए रखी खुदा, वो हमने भजन संहिता में पढ़ा है खुदा परमेश्वर, और इसके लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं आबा पिता, कि हमें तेरी ओर दृष्टि लगाए रहने के लिए सहायता कर खुदा। हमारे प्राण को परमेश्वर तो ऐसा अनुग्रह दे खुदा, कि वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन स्पिरिट्स के अधीन ना जाए, कोई डिस्टर्बेंस स्पिरिट के अधीन ना जाए परमेश्वर, कोई भटकाने वाली आत्मा के पीछे ना जाए खुदा, कोई पिता सताने वाली आत्मा के पीछे ना जाए परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे खुदा अब्बा पिता, गड़बड़ी मचाने वाले आत्मा के पीछे हमारे प्राण को अटकने मत दे खुदा, हमारे प्राण को उस युद्ध में से
छुड़ा खुदा, जो युद्ध हमें तेरे तेरे ओर दृष्टि करने नहीं देता है, जो युद्ध हम गोलियात के को मार नहीं सकेंगे, ऐसा परमेश्वर वो युद्ध हमें कमजोर कर रहा है। ऐसे सारे पिता अंधकार की जगत से लगाए गए युद्ध को तो मिटा दे परमेश्वर, वो हमारे टाइम वेस्ट है परमेश्वर, वो हमारे परमेश्वर पिता हमारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस के लिए पिता वो लगाए गए शैतान के चलाकियां है खुदा, हमें उस सारे शैतान के चलाकियों में से आजाद कर परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा परमेश्वर, हम तेरे ऊपर से अपना ध्यान कभी ना खोए परमेश्वर, हम सदा हमारी आंखों में से तुझे देखते रहे खुदा, ताकि हम कभी भी परमेश्वर कोई भी गोलियात क्यों ना हो, हमारे अंदर एक ही परमेश्वर समय रहेगा कि हमारा परमेश्वर इस गोलियात को मार सकता है। हालेलुया, वो हमारे हथियार को दिशा दे सकता है, वो हमारे वेपन्स को उठाकर चला सकता है और वो गोलियात को मारने का इंतजाम हो सकता है। मेरे परमेश्वर पिता, ये पिता परमेश्वर ही आओ हम हमेशा प्राप्त करे खुदा, यह आखिरी दिनों का समय है खुदा, यहाँ पर परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर। हम पिता कोई भी परमेश्वर तेरा आधार खोने मत दे खुदा, हम मन कच्चा होकर खुदा इंतजार करते ना बैठे खुदा कि कौन हमको इसमें से छुड़ाएगा, हम खुद परमेश्वर छुटकारा पाने की सामर्थ्य पा ले खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं यीशुआ, हम मांगते हैं यीशुआ, तूने अपना अधिकार दिया है हमको, तूने अपना सामर्थ्य दिया है हमको, तेरे वचन तूने हमें पढ़ाया है सिखाया है, अब हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, हमें तैयार कर, तू युद्ध करने के लिए हमको तैयार कर यहोवा परमेश्वर, तू हमें बैटल फील्ड में उतरने के लिए सामर्थ्य दे, हमें परमेश्वर मैदान में उतरने के लिए सामर्थ्य दे खुदा, हमारी ताकत बनी रहने वाला तू सामर्थ्य दे खुदा, हमारी ताकत परमेश्वर घटने मत दे खुदा, हमारे परमेश्वर हम हमेशा के लिए पिता परमेश्वर अपनी आंखों में से देखते रहे खुदा कि तू हमें बचा सकता है खुदा, हम परमेश्वर वो सामर्थ्य को प्राप्त करते रहे खुदा, हमेशा पिता परमेश्वर हम वो बात को याद करें कि यीशु मसीह के कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाया गया था, चौकीदारी करने के लिए कितने सारे गहरी पहरेदारी लगाई गई थी, लेकिन उसमें से भी स्वर्गदूत को पिता तूने भेजा और वो पत्थर को हटा दिया। मेरे परमेश्वर ये अनुभव हमारे दिमाग से कभी जाने मत दे, हमारी इमेजिनेशन से सदा हमारी आंखें ये अनुभवों को देखने दे परमेश्वर, इसे कभी भी पिता बंद होने मत दे खुदा, हमारी सोचों में से तेरे सोच कभी बंद होने मत दे खुदा, हमेशा हम तेरी सोचों में गड़े रहे खुदा, हमारी कल्पनाओं में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में हम तेरी ओर देखते रहे खुदा परमेश्वर, हम कभी भी पिता परमेश्वर तेरे से अलग ना हो खुदा। मेरे अब्बा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, हमें मजबूत बना खुदा, हमारे प्राण की सारी जगह मजबूत बना, हमारे आत्मा की सारी जगह मजबूत बना परमेश्वर, हमें मजबूत बना यीशु, तेरे वचन को देकर तेरे अभिषेक को देकर हमें मजबूत बना खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर हमने बाइबल में पढ़ा है जब अभिषेक उतरता था तब परमेश्वर पिता लोग अपने मुंह के बल गिर जाते थे और कितने सारे चमत्कार होते थे परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर वो अभिषेक तो उनके ऊपर आता और जाता था, लेकिन मेरे खुदा ये अभिषेक तूने हमें हमेशा के लिए दिया है मेरे आबा परमेश्वर, ये अभिषेक हमारे ऊपर से हटाना नहीं खुदा, हमारे अंदर से हटने मत दे खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं यहवे परमेश्वर, ये अभिषेक हमारे अंदर बना रहे यीशुआ, हमारे अंदर बना रहे यीशुआ, हम तुझसे विनती करते हैं यहवे परमेश्वर। ओ रीबा खा ला रहा सिया सोखो बो रोखो तीना खा सियांस्तो रिदा ना खा लहाता ना खा सिखे रेबिके तीना खा सियांस्ता। मेरे परमेश्वर हम वो अभिषेक हमेशा हमारे अंदर बढ़ाते हुए बढ़ते हुए देखे खुदा। मेरे अबा पिता हमें अभिषेक का इस्तेमाल करते वक्त हम तुझे कभी ना भूले खुदा, हम कोई भी घमंड करके पिता परमेश्वर अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश ना करें खुदा, हम कभी भी परमेश्वर अपना आपा खोकर खुदा हम अपने धुन में अपने ही मन पसंद चीजों को करने के लिए ना दौड़े, क्योंकि अभिषेक हमारे ऊपर है खुदा। मेरे खुदा वो अभिषेक को चोट पहुंचेगी और वो हमसे
कम हो जाएगा ऐसा कुछ भी व्यवहार, तो हमारे हाथों से, हमारे जीवनों में से, प्राण में से, हमारे आत्मा में से ऐसे व्यवहार होने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर, जो अभिषेक को कम कर सकता है, ऐसे व्यवहारों को तू हमारे ऊपर से हटा दे खुदा। हमारे पिता, हमारे जीवनों में से तू दूर कर दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा दाऊद ने कहा था पिता, कि एक दिन मैं परमेश्वर के दरवाजे में वो पहरेदारी करना पसंद करूंगा, 1000 दिन पृथ्वी के ऊपर जीने से ज्यादा। मेरे परमेश्वर, हम तुझे वही बात को मांगते हैं कि हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जिए खुदा। चाहे हमें पृथ्वी के ऊपर कुछ मिले ना मिले खुदा, चाहे हम वो सब कुछ परमेश्वर जो पृथ्वी पर हमें तूने दिए हुए योजनाएं हैं हम पूरा कर सके या नहीं कर सके, लेकिन इससे पहले परमेश्वर पिता हम ये मांगते हैं कि हमारे साथ तू बना रहे खुदा। तेरा अभिषेक हमारे ऊपर से कभी भी कमजोर ना पड़े खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं यीशु मसीहा, जो बातों से तेरा अभिषेक बढ़ता है वो बातें तू हमारे जीवनों में से बहा खुदा। वो बातों को तू बहने दे परमेश्वर, उसका बहाव तू बंद होने मत दे खुदा, उसका बहाव तू बंद पड़ने मत दे खुदा परमेश्वर। ये अभिषेक का काम है खुदा परमेश्वर, ये अभिषेक जुआ तोड़ता है खुदा, ये अभिषेक कठिन समस्या को तोड़ सकता है खुदा, ये अभिषेक शैतान के राज्य को तोड़ देता है, वो सारे बंधन तोड़ देता है, वो सब कुछ परमेश्वर तितर पितर करने का सामर्थ्य रखता है। ये अभिषेक पिता जीवन दान देता है, ये अभिषेक मुक्ति देता है, ये अभिषेक परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, ये अभिषेक अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता है, ये अभिषेक आशा टूटने नहीं देता है, ये अभिषेक हमारे जीवनों को गवाहियों को बनाता है, हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाली गवाहियां बनाता है, ये अभिषेक बड़े बड़े काम करता है, ये अभिषेक हमें प्यारा है परमेश्वर, तेरा अभिषेक हमें प्यारा है परमेश्वर। हम तेरे अभिषेक को गले लगाते हैं, हम तेरे अभिषेक को गले लगाते हैं आबा पिता, हम तेरे अभिषेक को गले लगाते हैं और तेरे अभिषेक को चूमते हैं, हम तेरे अभिषेक को नमन करते हैं और हम तेरे अभिषेक के सामने पिता अपने आप को झुका देते हैं। हालेलुया, हम अपनी ताकत को, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ को तेरे अभिषेक के सामने रख देते हैं। उसमें कोई वैल्यू नहीं, अगर अभिषेक हमारे अंदर है तो सब कुछ है, अगर अभिषेक हमारे अंदर नहीं है तो हमारे लिए बहुत गहराई से पिता हमारा युद्ध हम नहीं कर सकेंगे। अब पिता यह अभिषेक हमारे अंदर से जाने मत दे खुदा, मेरे खुदा परमेश्वर यह अभिषेक हमारे अंदर से घटने मत दे खुदा। यह अभिषेक पिता वो पिता विधवा स्त्री की तरह होने दे जो परमेश्वर पिता तेल वो बर्तनों में भर रही थी और वो तेल खत्म नहीं हो रहा था। मेरे परमेश्वर वो आशीष अभिषेक में रख खुदा, वो आशीष और अनुग्रह हमारे अभिषेक के प्यालों में रख खुदा, हमारे शरीरों में रख, हमारे आत्मा प्राण में रख, हमारी भावनाओं में रख, हमारी सोच विचार कल्पनाओं में रख खुदा। मेरे परमेश्वर ये अभिषेक को चोरी करने वाले, सत्यानाश करने वाले सारी शक्तियों को खुदा तू ये अभिषेक से दूर रख खुदा। मेरे परमेश्वर हमारे प्राण आत्मा शरीर से दूर रख खुदा परमेश्वर। अब पिता हमें पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे, जो हमारे अभिषेक के विरोध आने की कोशिश करेंगे उनके विरोध परमेश्वर हम चढ़ाई करें और उनको पिता उनके सारे हथियार तोड़ दे और परमेश्वर उनके चंगुल में से हम आजाद होकर अपने अभिषेक में दोबारा भरते जाए। मेरे खुदा ये एक अद्भुत ऐसा काम तू हमारे अंदर करते रहना, मैं तुझसे विनती करती हूँ परमेश्वर, हमारे अंदर ये अभिषेक को कभी भी पिता परमेश्वर तू खोने मत दे खुदा। हम आज तेरे से व्याकुल होकर विनती करते हैं कि हम वो लोग ना रहे खुदा जो पिता परेशानियों को देखकर रास्ता मोड़कर चले जाते हैं, हम वो लोग ना रहे खुदा जैसे इज़राइल के
इजराइली सैनिक थे शाऊल राजा के पिता राज्य में, लेकिन फिर भी वो गोलियात का सामना करना नहीं जानते थे। अब परमेश्वर, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है पिता, हम मसीह भाई बहनों के लिए एक कलंक है पिता परमेश्वर, इसे तू हटा दे, ये हमें नहीं चाहिए परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ये अवस्था को हमारे जीवनों के अंदर से हटा दे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं। ये अवस्था हम नहीं चाहते हैं खुदा, ये अवस्था हम नहीं चाहते हैं आबा परमेश्वर। हमारे सामने कोई भी चैलेंज ऐसा ना हो खुदा कि हम उसको देखकर मुंह फेर कर चले जाए। हम कभी भी ये ना करें खुदा, हम कभी ये ना करें खुदा, ये कभी ना करें मेरे खुदा, मेरे खुदा हमारे द्वारा ये कभी ना हो खुदा। ये तुझे परमेश्वर गौरव नहीं देता है खुदा, ये तुझे महिमा नहीं देता है परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर कमजोर अवस्था, ये हमें पिता शर्म के लिए है खुदा, ये हमको शर्म के लिए है खुदा। इसे तुम मिटाने का इंतजाम कर मेरे यीशु, इसको तुम मिटाने का इंतजाम कर मेरे यीशु, मेरे यीशु हमारी ये अवस्था बदल दे खुदा, हमारी ये अवस्था बदल दे खुदा। हमारी ये अवस्था के अंदर कुछ तो पिता परमेश्वर तो ऐसा एक अद्भुत चमत्कार कर दे परमेश्वर, ये अवस्था हमारे अंदर बनी नहीं रहेगी खुदा। अब हमारे सामने चुनौती आ रहे और हम उसे युद्ध करके चुनौतियों को हरा दे, ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर तू भर दे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य तू हमारे अंदर भर दे। ओ रीबा खाला रहा सियासो को बुर्रो को सियांस्तो को बुर्रो सो, हमें वो मार्ग से लेकर चल परमेश्वर जिसमें ये सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर भरता जाएगा, उमड़ता हुआ प्याला बनकर बहता रहेगा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरी आराधना को स्वीकार, मेरी प्रार्थना को स्वीकार, मेरे मन की कामनाओं को तू स्वीकार, जो मैं कामना कर रही हूँ खुदा, जो मैं कामना कर रही हूँ खुदा कि मेरे भाई बहन, मेरे मसीह भाई बहन खुदा, मेरे घर परिवार, मेरे जीवन के सारे व्यवहार परमेश्वर, ऐसा तू बना खुदा परमेश्वर कि हम कभी भी चुनौतियों को देखकर पीछे ना हटे खुदा। मेरे परमेश्वर, हमारे वो सारे कमजोर किए गए अवस्थाओं को तू आज छू ले खुदा, आज छू ले खुदा, वो सारे हमारे कमजोर किए गए अवस्थाओं को तू छू ले यीशु। मैं तुझसे विनती करती हूँ, साफ कर हमको, साफ कर यीशु, तेरे लहू से हमको साफ कर, शुद्ध कर हमारे वो अपराध और पाप और गुनाह जिसके कारण हम कमजोर हो चुके हैं, हमको माफ कर दे और वो अपराध गुनाहों को हमारे अंदर से हमेशा के लिए बंद कर जो हमें अभिषेक चोरी करता है। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है, वो हमारे जीवन को बदलता है, वो हमें आजाद करता है, वो हमें तसल्लियां देता है, वो हमें हियाव बांधना सिखाता है, वो हमें कमर कस के सच्चाई का कमर बंद हमें देता है, वो हमारे पैरों को मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनाता है, वो हमें विश्वास की ढाल देता है, उसको चलाना सिखाता है जिसके द्वारा हम शैतान ने फेंके हुए सारे जलते तीरों को बुझा पाते हैं। वो हमें उद्धार का टोप दिया है, हमें विश्वास करके और धार्मिकता के झिलम को दिया है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह की धार्मिकता को पहने हुए हैं। हम परमेश्वर के राज्य में धर्मी ठहराए गए हैं, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने का हियाव बांध लिए हैं क्योंकि हमारा यीशु मसीह धर्मी है और उसकी धार्मिकता को हमने पहन लिया है। और मेरे परमेश्वर, हमें तूने रोब ऑफ राइटियसनेस दिया है जो अंधकार के जगत के सारे रोब से भी ज्यादा सामर्थ्य है। अंधकार की शक्तियों के लिए जो पहरावे दिए जाते हैं उनसे काफी बलवंत पहरावा हमारे पास है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे साथ है। ओ मेरे परमेश्वर, तूने हमें आत्मा की तलवार दी है जो तेरा वचन है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आबा परमेश्वर कि तूने यीशु मसीह जो तेरा वचन है तूने हमारे अंदर रहने के लिए हमेशा के लिए दे दिया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं,
थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता, हमारे पीठ पीछे परमेश्वर तूने स्वर्ग दूत को खड़ा कर दिया है, जो शत्रु की तरफ मुंह करके खड़ा है खुदा, ताकि कोई भी शत्रु हम पर आक्रमण करे तो वो आग का खंभा बनकर उनके ऊपर आंखें दिखाएगा, उनको डराएगा और दौड़ा देगा। हमारे आगे तूने बादल का खंभा रखा है जो स्वर्ग दूत है परमेश्वर पिता, और वो हमें दिखने नहीं देता है, वो शत्रुओं को से हमको छुपा के रखता है। हमारे लेफ्ट और राइट में तूने तेरे सहायक दिए है, तूने हमें परमेश्वर तेरे मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स दिए है, हमारे सर के ऊपर तूने हमें अभिषेक का हाथ रखा है, तुझे धन्यवाद करते। हमारे पैरों के नीचे तूने स्वर्ग दूतों के हाथ रखे है, ताकि हम कोई पत्थर से ठेस ना लगे खुदा परमेश्वर, हमें कोई भी प्रकार से परमेश्वर शैतान के हवाले तू नहीं करेगा। हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं, हम शैतानी आत्माओं के साथ युद्ध करने वाले बनेंगे, हम चुनौतियों को गिराने वाले बनेंगे, हम कभी भी मुंह फेर कर चले जाने वाले नहीं रहेंगे। मेरे अब्बा परमेश्वर, हम चंगाइयों को देखना चाहते हैं, मुर्दों को जिलाते हुए देखना चाहते हैं, हम वो काम करते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर गूंगों को बोलना, अंधों को आंखें देना और बहरों को सुनना, और परमेश्वर पिता बिगड़े परिस्थितियों को सरल करना, बिगड़े जीवनों को सीधा रास्ता देना, और मेरे परमेश्वर भटके लोगों को तेरे रास्ते सिखाना। मेरे परमेश्वर सब ये काम तेरा हम करना चाहते हैं खुदा, हमें आशीष कर खुदा, हमें बरकत दे, आशीष दे खुदा। हम अपनी जरूरतों के कारण पिता ये सब कुछ करना छोड़कर भागना चाहे खुदा, हम कोई भी प्रकार से परमेश्वर घटियों में ना चले खुदा, हम कोई भी पिता परमेश्वर वासना को अपने अंदर छुपा के ना रखे कि वो परीक्षा की जाएगी शैतान की ओर से और हम उसके पीछे पिता लपक कर चले जाएंगे। मेरे पिता ऐसा कोई वासना हमारे अंदर रुकने मत दे। यहोवा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, यहवे परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, रीबा खाला रखा रेदा नखा लहाता नखा रेदान तिखाम रुखम रुखो शंदहासा। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में लिखा है खुदा, खुदा के जो कुछ भी हमारे हृदय से बाहर निकलता है वो ही परमेश्वर हमको दूषित करता है। मेरे परमेश्वर जो हम हृदय में भर के रखे हैं वही हमारे मुंह से बाहर आता है। मेरे परमेश्वर पिता हमारे हृदयों की तू आज जांच कर खुदा, आज तेरा आत्मा भेज कर हमारे हृदयों की स्थितियों को तू आज परख ले खुदा। मेरे परमेश्वर आज तू हमारे हृदयों के अंदर से वो सारी बातों को हटा दे खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे मुंह से तेरे वचन को आने नहीं देते हैं, हमारे मुंह से तेरी स्तुति आराधना को होने नहीं देते हैं, तेरी प्रार्थनाओं को होने नहीं देते हैं, याव के शब्दों को बोलने नहीं देते हैं, शैतान का विरोध करने वाले सामर्थ्य को बहने नहीं देते हैं। ऐसा जो भी परमेश्वर आज हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ कचरा है खुदा, जो पिता व्यर्थ की बातें है खुदा, उसमें से तू हमें आज छुड़ा खुदा। तेरे से हम विनती करते हैं, तेरे आत्मा को तू आज ऐसा परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर चला खुदा, कि वो सब कुछ हमारे हृदय के अंदर की हालत वो सवार दे परमेश्वर, वो सीधा बना दे। हमारे हृदय के कारण हमारे अभिषेक को पिता परमेश्वर कमजोर पड़ने मत दे खुदा, हम अभिषेक में कमजोर पड़ने मत दे खुदा परमेश्वर। हमारे हृदय की अवस्थाओं के कारण परमेश्वर हम तेरे प्रेम में कमजोर ना पड़े खुदा, हम तेरी बातों में कमजोर ना पड़े खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, हम तुझसे मांगते हैं आबा परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला तू परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को तू पूरी तरह से ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इसके लिए पिता हम तुझसे विनती करते हैं, अभिषेक को जो पिता परमेश्वर बहुत ही अच्छा फलदायी बनाएगा, ऐसा परमेश्वर अवस्था हमारे हृदय के अंदर तू देने के लिए मांगते हो खुदा। जो भी पिता परमेश्वर शैतान के काम करने वालों ने खुदा परमेश्वर
शैतान के लिए पिता जो काम किया और हमारे जीवन का नुकसान किया, जो हमारे जीवन को छुआ है, जो हमारे जीवन के विरोध में परमेश्वर हमारे लिए पिता उपद्रव किए हैं, हमें सताया गया है, वो सब कुछ परमेश्वर, वो लोगों ने, जिन लोगों ने वो किया है खुदा मेरे परमेश्वर, उनके सारे वो काम को हम क्षमा कर देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि हमको विश्वास है कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है हमारे अंदर। इसके लिए वो लोग शैतान की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं और वो लोग शैतान की गुलामी करके देखना चाहते हैं कि हम रास्ता भटक जाए। हम भटकना नहीं चाहते हैं खुदा, हम रास्ता भटकना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसे हम व्यर्थ की बातें बोलते हैं। और मेरे परमेश्वर, ये लोगों ने किए हुए सारे जख्म, सारे परमेश्वर हमारे मन सोच विचार कल्पनाओं पर आए हुए सब कुछ परमेश्वर, जो टूटापन है खुदा, ये शक्तियों ने जितना आक्रमण करके हमारे जीवन को बेहाल कर दिया है मेरे परमेश्वर, वो सब बातों को खुदा हम तेरे सामने रख देते हैं। इसमें से हमको छुटकारा दे परमेश्वर। ये लोगों ने पिता सिर्फ शैतान की गुलामी की है, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, तो हमारे जीवन के ऊपर हुए सारे उस पिता जख्म को, उस टूटी अवस्थाओं को तू बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसके लिए पिता परमेश्वर, लोगों के ऊपर गुस्सा होके हमको कुछ नहीं मिलेगा खुदा, लोगों के ऊपर परमेश्वर न्याय भेज कर हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करके हमें बहुत कुछ मिल सकता है। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय की अवस्थाओं को बदल दे परमेश्वर, हमारे हृदय की अवस्थाओं को बदल दे यीशुआ। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा हृदय शुद्ध पवित्र और पिता निष्कलंक रहे, निरुपद्रवी रहे पिता, उसके अंदर की सोचे और कल्पनाएं हमेशा तुझे भाने वाली रहे खुदा, हमारे अभिषेक को और भी बढ़ाने वाले बने खुदा मेरे परमेश्वर। हम आज तेरे सामने घुटने टेक देते हैं। हमने जितना भी परमेश्वर शैतान को प्रतिकार करते वक्त, जितना परमेश्वर हमारे अंदर से जो भी टूट फूट हो चुका है, आज तेरे सामने घुटने टेक देते हैं खुदा, और हम कबूल करते हैं कि हम परमेश्वर तेरे आश्रय पर हम निर्भर है खुदा मेरे परमेश्वर। हम तुझे आश्रय स्थान मानते हैं, हमने तुझे धाम मान लिया है, और इसके लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को तू आज सरल मार्ग दे, हमारे वो चैलेंजेस को तू निपट खुदा, जो शैतान ने हमारे विरोध चैलेंजेस रखे हैं खुदा, उसको तू निपट परमेश्वर, उसके अंदर के सारे उनके जो भी इरादे हैं परमेश्वर, उसको फेल कर खुदा, तेरे स्वर्गदूत को भेज कर उनके हथियार को तोड़ दे परमेश्वर, उनके सारे नेटवर्क्स को पिता तितर पितर कर दे पिता, डिस्ट्रैक्ट कर दे, ब्रेक कर दे परमेश्वर, उनकी कोई भी कामनाएं पिता जो शैतान ने उनको असाइनमेंट्स दिया है, वो शैतान के असाइनमेंट्स को पूरा करने मत दे खुदा, वो यहाँ पर परमेश्वर पिता कोई भी प्रकार से परमेश्वर शैतान के रास्तों को बनाने के लिए भेजे गए, गुप्त में भेजे गए ऐसे एजेंट्स पिता हमारे शरीर प्राण आत्मा तक पहुंचने मत दे खुदा परमेश्वर। मेरे आबा पिता, उनके ऊपर, वो लोगों के ऊपर तू पवित्र आग लगा दे खुदा परमेश्वर, उनके अंदर की ताकतें जल कर भस्म होने लगे, उनके शरीर के पिता कोई भी भागों में ताकत ले लेकर वो पिता परमेश्वर हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए हमें जो पिता खूंखार शेर की तरह गरजते हुए खुदा परमेश्वर वो दहाड़ लगाकर पिता हमें ढूंढ रहे हैं, किसे फाड़ कर खाए ऐसा वो ढूंढ रहे हैं खुदा परमेश्वर, तो वो परमेश्वर उनकी कामनाओं के लिए जो शक्तियां उनको शैतान ने दी है, जहां जहां उनके सीक्रेट शक्तियां हैं खुदा परमेश्वर, जहां जहां उनकी सीक्रेट परमेश्वर, जहां गुप्त रीति से पिता परमेश्वर वो पिता अपने 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 जीवन को जी रहे हैं खुदा, वो ताकत के अंदर, ताकि वो शैतान का काम पूरा कर सके, वो सब जगह पर ऐसा रट्टा मार दे खुदा, ऐसा लाफा चढ़ा दे खुदा, कि वहां से सब जगह से परमेश्वर पिता वो शक्तियां
टूट टूट कर गिर के पिता चकनाचूर हो जाए। मेरे यीशु मसीहा, तू स्वर्ग दूत को आज्ञा कर और तेरी सेनाओं के को पिता भेज परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर जगहों को तू ऐसा फोड़ दे परमेश्वर जहां पर वो शक्तियों को लगाए रखे हैं, और पिता वो समय समय पर उनकी आवाज को सुनकर हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरे यीशु मसीहा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरे अब्बा परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, वो शक्तियों को पिता इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं खुदा, उनके सारे पावर्स को तेरे आग से जला देती हूँ, मैं तेरे आग से जला देती हूँ। पिता तूने पनिशमेंट दिया है, जो ऐसे गंदे काम करेगा, शैतान के लिए काम करेगा, उनको नरक की आग दी जाएगी खुदा। मेरे परमेश्वर, तू नरक की आग उनको पनिशमेंट बोलकर दिया है, उनको एक कंफर्टेबल जोन बोलकर नहीं दिया है, वो पनिशमेंट है खुदा जो उनको व्याकुल कर सकता है। मेरा परमेश्वर महान है, जो कभी भी परमेश्वर विकेडनेस को खाली हाथ जाने नहीं दिया है, वो विकेडनेस का बदला लेता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा अब्बा पिता जिंदा है, वो विकेडनेस किए हुए सब लोगों के अंदर की शक्ति के ऊपर मैं नरक की आग लगा देती हूँ अभी इसी समय। उनके अंदर के घर परिवार के अंदर जहां जहां उन्होंने पावर्स को भर के रखा है, सब जगह में मैं यीशु के नाम से नरक की आग लगा देती हूँ। परम पवित्र यीशु के नाम से मैं नरक की आग लगा देती हूँ, जहां वो वेदियों को जो हमारे नाम लिखे जाते हैं और हमारे ऊपर कोई भी प्रकार के षड्यंत्र रचाए जाते हैं शैतानी आत्माओं के द्वारा, वो सारे वेदियों के ऊपर नरक की आग लग जाए, वो पनिश हो जाए। यीशु के नाम से मैं पनिश करती हूँ उनको, प्रभु यीशु के नाम से नरक की आग लगा के मैं पनिश करती हूँ उनको। रीबा खा ला रखा सिखे रिबिखे तीन रखा सियांसो को बुर्रो को सियांसता, जो चार्म बना के लाया है, जो शैतान का आत्मा का चार्म लेकर आया है, जो हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, हम कोई भी प्रकार से परमेश्वर वो चार्म के शिकार नहीं होना है खुदा, वो चार्म के ऊपर मैं आग लगा देती हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। वो चार्म जल के भस्म हो जाए, स्वर्गदूत वो चार्म के ऊपर आग लगा दे और वो जल कर भस्म हो जाए, इसके बारे में वो चौकसी करें। मेरे परमेश्वर, शैतानी आत्माओं के जगत के द्वारा जी मनुष्य जो कुछ भी हमारे विरोध लेकर आएगा खुदा, वो सब कुछ जल के भस्म होने के लिए तो हमारी सहायता कर परमेश्वर, वो हमारे ऊपर बलवंत होने मत दे खुदा, वो हमारे ऊपर बलवंत होने मत दे यीशुआ। मैं तुझसे विनती करती हूँ यीशु मसीहा, वो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है खुदा जो तेरे सामने खड़ी हो सके खुदा। अगर परमेश्वर तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी हमारे सामने घुटने टेक देता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा अब्बा पिता महान है, मेरा इज़राइल का परमेश्वर महान है, मेरा अब्बा पिता महान है। और रबा खाला रखा सीखा रबा हाता नखा सियांस्तो को बुरो को सियांस्ता, मेरे परमेश्वर वो हर एक अमावस्या पूर्णिमा के दिन किए गए जादू टोना, हर प्रकार के बीमारी हमारे ऊपर लगाए गए, हर प्रकार का क्लेम शैतान का जो हमारे ऊपर लगाया गया, हर प्रकार के हमारे जीवन को खराब करने के लिए लगाए गए अवस्थाएं, यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, मसीह यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। मेरे यीशु मसीहा, मेरे घर को, हमारे घर को, हम सब के परिवारों को, घर को, हमारी चीजों को, हमारे सब एरिया ऑफ लाइफ को यीशु मसीह तेरे लहू में हम कवर कर रहे हैं, हम तेरे आग को परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द लगा देते हैं, और हम इस समय परमेश्वर समझते हुए ये युद्ध किए हैं कि हमने शैतान के गढ़ों को गिरा दिया है। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर से परमेश्वर शैतान को महिमा नहीं मिलना चाहिए खुदा, हमारा कोई व्यवहार उसके नाम को ऊंचा नहीं करना चाहिए परमेश्वर, वो सब व्यवहार में परमेश्वर तू ऐसा एक तड़ाखा लगा दे परमेश्वर कि वो व्यवहार हमारे हाथों से छूट जाए, गिर जाए, बिखर जाए, टूट जाए, नाश हो जाए, हमको वो व्यवहार रहने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे व्यवहार पवित्र जगत के हो खुदा, हमारे कार्य पवित्रता के हो, धर्मी को के हो परमेश्वर, जो तुझे पिता उन्नति के मार्ग से, जो तुझे पिता गौरव देता है, वही मार्ग हमारे अंदर हो परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं यावे परमेश्वर,
ओरी बाखा लारा हासी के रे बिखे ती नखा सी आंस्तो को बुरो को सी आंस्ता रे दाना का ला हाता नखा से खे ती नखा ना मरासा। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, वो सब कुछ शैतान का हथियार हमारे इर्द गिर्द में से हटा दे खुदा, उखाड़ दे खुदा, वो सब जगह से उखाड़ दे, उनके मूर्तियों को जला जला कर नाश कर दे। जहां कहीं पर भी पिता समुन्दर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, नदी नालों के अंदर से, कोई भी जगह से जो भी शैतानी काम हमारे विरोध किया गया है, जंगलों में कोई पिता, पहाड़ों के ऊपर या कहीं पर भी आकाश मंडल में या कहीं पर भी खुदा परमेश्वर हमारे विरोध कार्य करके रखा गया है, यीशु के नाम से उसे हम जला देते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम उसे जला देते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। हम परमेश्वर तेरे आराधना करते हुए, तेरी आराधना करते हुए हम आजाद हो जाते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर, शैतान का राज्य मेरे बिल्डिंग में, मेरे घर के इर्द गिर्द में बढ़ने मत दे खुदा मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ खुदा परमेश्वर, हमारे घर के विरोध में परमेश्वर, जो भी पिता शैतान के राज्य को घेराव डाल रहा है, उस घेराव को इस तरह से लताड़ दे खुदा परमेश्वर। स्वर्गदूत को भेज और ऐसा लताड़ दे खुदा, तेरी बम्बारियों को होने दे, आग के गोलों को उनके ऊपर गिरने दे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर हमें शैतान के लिए, पिता गुलामी करने के लिए, पिता बंदिश करने की कोशिश करते हैं, वो सब जगह में ऐसे तेरे आग के गोलों की बम्बारियां कर दे खुदा, वो सब कुछ पिता परमेश्वर वो तितर पितर हो जाए खुदा मेरे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, जो जाल और फंदे और फांसे, जो बहेले के जाल कहलाते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे विरोध किया गया है, मसीह यीशु के नाम से वो ऐसा गिर जाए परमेश्वर, वो इस तरह से टूट कर बिखर कर गिर जाए परमेश्वर, कि हमारे ऊपर वो बना नहीं रहेगा। हालेलुया, हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, कि हमारे जीवन को कोई भी तरह से परमेश्वर, हमारी आंखों को, हमारे फाइव सेंसेस को खुदा, कोई भी दरवाजा बना के खुदा, शैतान के काम करने के लिए खुदा, हमारे अंदर कोई भी आना जाना शैतानी आत्माओं का ना हो खुदा मेरे परमेश्वर। हमारे प्राण के अंदर कोई टूटी जगह ना हो खुदा परमेश्वर, जहां पर शैतान के आत्मा को आते जाते रहने का पिता व्यवहार करने का समय मिलेगा मेरे परमेश्वर। हमें सील कर दे यीशु, तेरे लहू के अंदर हमको सील कर दे खुदा, हम तेरे आवाज को सुनने लगे, हम तेरी आवाज को पहचानने लगे, हम तेरी दिशाओं को मांगते हुए दौड़ने लगे मेरे परमेश्वर। हम पिता हम वो रेस को जीत ले खुदा, जो शैतान ने हमारे विरोध खड़ी की है खुदा, उसको पिता पार करके हम तेरे लिए पिता गौरव देने वाली गवाहियां बनकर आ जाए, वो रेस हम जीत जाए परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं यहवे परमेश्वर, कि तू जितना महान काम हमारे लिए कर सकता है, वो हमें परमेश्वर उत्साह देता है, उत्तेजित करता है, वो हमें बल देता है, याव देता है परमेश्वर, कि हम जीत कर आएंगे खुदा मेरे परमेश्वर। हम तेरे सामने झुके हुए हैं, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा यीशु मसीह महान है, हमारा पवित्र आत्मा हमारे लिए मददगार है। हम कोई भी युद्ध में स्थिर रहना परमेश्वर की ओर से बोल दिया गया है। हालेलुया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता हमारे मन सोच विचार के अंदर बोया गया है परमेश्वर, शैतानी आत्माओं के काम, वो रद्द हो जाए यीशु के नाम से। जो दिशाएं हमारे लिए खोल कर रखी गई है शैतानी आत्माओं के द्वारा, शैतानी रिचुअल्स के द्वारा, यीशु के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। जो शैतानी आत्माओं का परमेश्वर कार्यक्रम, जो लोग यीशु मसीह के विरोध जाने के लिए हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, यीशु के नाम से वो कार्यक्रम, वो सब प्रोग्रामिंग डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए मेरे यीशु के नाम से। जो भी हमें शैतानी कब्जे में करने के लिए जितना भी मेहनत लगाया गया है, वो सब मेहनत में से हम आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाए। अब पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह का नाम चमत्कार करता है, हमारे हाथों को पैरों को वो रस्सियों से बांधे हुए शक्तियों से छुटकारा देता है, हमारा यीशु मसीह आजाद करता है हमको, हमारी आंखों के सारे नजरबंदी को हमेशा के नाम से तोड़ देते हैं, हमारे ब्रेन की नजरबंदी को हमेशा के नाम से तोड़ देते हैं, हमारी जुबान की बंदी को हमेशा के नाम से तोड़ देते हैं, हमारे नथुनों के श्वासों की बंदी को हमेशा के नाम से तोड़ देते हैं, हमारे कानों के सुनने की बंदी को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं, हमारे हृदय के ऊपर डाले गए बंदी को हम तोड़ देते हैं, हमारे शरीरों के ऊपर लगाए गए बंदिशों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हम आजाद हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं।
हम यीशु मसीह आपके काम करने के लिए आजाद हो जाते हैं। हमारे मांसपेशियों के अंदर लगाई गई बंदिश यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हमने खाने पीने के द्वारा कुछ भी निगल लिया है जो शैतान की ओर से था, सेक्रीफाइसेस था, और हमको मालूम नहीं था, अनजान अवस्था में हमने कुछ भी निगल लिया है, वो सब कुछ के ऊपर आज पवित्र आग लग जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कोई भी प्रकार से वो हमारे अंदर बना नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार से वो आज हमारे अंदर काम कर नहीं सकेगा। मसीह यीशु के नाम से हम बोलते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, उसने हमको ये वचन दिया है। यीशु मसीह का वचन कहता है तो हमको कोई हानि नहीं होगी। जब हम शैतान के विरोध चढ़ाई कर रहे, वो हमारे लिए सब कुछ बंदोबस्त करेगा। हमारे यीशु मसीह सब कुछ बंदोबस्त करना जानता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर यहोवा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि शत्रुओं के गढ़ को तू यहाँ से हटा दे खुदा, जो मजबूती पकड़ रखे हैं खुदा, जो पिता परमेश्वर हिलेंगे नहीं और हमारा पीछा करते रहेंगे, ऐसे अवस्था में जो पिता परमेश्वर उसको ऐसा तोड़कर गिरा दे खुदा कि वो जिंदगी भूल जाए और सिर्फ यीशु मसीह को याद करने लगे। अब परमेश्वर वो इंसान की ऐसी परमेश्वर दशा कर दे, वो शैतानी जगत के अंदर से छुटकारा पा ले खुदा, वो ऐसा झटक झटक कर छुटकारा पा ले खुदा कि वो खुद भी समझ में नहीं आएगा उसको कि ये ऐसा कैसा हो गया। ओ रब खाता न खा सिखा रब हाता न खा सी आंतुरा, मेरे परमेश्वर जो लोगों ने अपने आप को पिता शैतान के हाथों में दिया है कि वो हमको सताएंगे, वो सब लोगों को ऐसा फटकार मेरे खुदा, ऐसा परमेश्वर ऐसा झटक दे परमेश्वर, ऐसे स्वर्ग दूतों के द्वारा ऐसा फटकार दे परमेश्वर कि उनके अंदर की वो सारी शक्तियां डर के मारे भाग जाएगी और वो पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने पवित्र यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करेंगे। मेरे यीशु मसीहा, तेरे अलावा उनके लिए कोई आशा नहीं है खुदा। अगर पिता परमेश्वर तूने उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो उनका प्राण खत्म होने का चांसेस है खुदा परमेश्वर। मेरे अब्बा पिता, हम तुझे विनती करते हैं, अगर परमेश्वर तूने दया नहीं किया तो वो मर जाने के लिए डेस्टाइंड हो चुके हैं परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरे दया के ऊपर उनका भविष्य है खुदा परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरे ऊपर पिता ये प्रार्थनाओं को लगा रही हूँ, मैं तुझसे विनती कर रही हूँ खुदा कि वो सब जगह में से जो हमारे ऊपर आक्रमण करके करने के लिए लगाए गए लोग हैं खुदा परमेश्वर, ऐसा उनका बर्बादी का समय लेकर आ खुदा, ऐसा उनके सब कुछ नहस तहस का समय लेकर आ खुदा परमेश्वर कि वो समझने लगे कि सच में परमेश्वर महान है और वही हमको बचाता है, वही प्रकार से बचाता है सब जगहों में, केवल यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। मेरे यीशु मसीहा, ये अनुभव उनके अंदर आने के लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ क्योंकि ये मनुष्य शैतान के लिए बिक चुके हैं खुदा। वो या तो पिता हमारे जीवन को खराब करेंगे या फिर परमेश्वर खुद मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग डू एंड डाई के ऊपर रहते हैं परमेश्वर। मेरे पिता, हम तुझसे ये जंग में पिता तेरी मदद को मांगते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम शैतान को उनके अंदर से हटा के देखेंगे कि हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं आप परमेश्वर, वो चाहे कितना भी परमेश्वर हमारे ऊपर जोर लगाए तो भी मेरे खुदा परमेश्वर उनकी हालत तो बदतर कर दे, उनकी हालत तो बदतर कर दे परमेश्वर, और पिता वो समझ जाए कि यीशु मसीहा प्रभु है। मेरे अब्बा पिता हमारे लिए युद्ध कर, मेरे अब्बा पिता हमारे लिए युद्ध कर, हम तुझसे विनती करते हैं, हम ये युद्ध के अंदर तेरी मदद को मांगते हैं परमेश्वर। हमारे लिए सहायता करने वाले लोगों को तैयार कर परमेश्वर, हम उस परमेश्वर शैतानी जंग जो पिता परमेश्वर हमारे विरोध लगी हुई है, हम उसके अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं खुदा, खुदा परमेश्वर आर या पार होना चाहते हैं खुदा, और हमें विश्वास है खुदा हमको तू पार करने वाला परमेश्वर है खुदा। खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं वो शैतान के आत्माओं के जो एजेंट्स है खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे बहुत ही नजदीक कहीं है खुदा, वो सब जगह में ऐसा परमेश्वर तहलका मचा दे खुदा, ऐसा तहलका मचा दे कि उनके पावर्स काम नहीं करेंगे खुदा, उनके पावर्स उनको छोड़कर भागने लगेंगे खुदा, उनके पावर्स उनके हाथों से छुटकर पिता परमेश्वर
ऐसे निकल जाएंगे कि वो अपने आप को बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं पाएंगे, निकल जाना ही उनके लिए रास्ता होगा। मेरे परमेश्वर ऐसा तबाही परमेश्वर उनके पावर्स के ऊपर होने दे खुदा, उनके पावर्स के ऊपर ऐसे हथियार गिरा खुदा परमेश्वर, ऐसे आक्रमण और वार कर परमेश्वर कि वो सब जगह से पिता परमेश्वर अपने सब कुछ भूल जाए खुदा, सब कुछ उनके सारे तंत्र मंत्र विद्याओं को भूल जाए, उनके रिचुअल्स को भूल जाए परमेश्वर, और वो सब कुछ भूल कर खुदा सिर्फ एक बात याद रखे, यीशु मसीह प्रभु है। खुदा मेरे परमेश्वर मैं तुझसे विनती करती हूँ उनके लिए पिता, और कोई रास्ता नहीं है, या तो परमेश्वर वो इस दुनिया से चले जाए या परमेश्वर तू उनको ट्रांसफॉर्म कर। मेरे अब्बा पिता इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो शैतान के जगत के विकेडनेस को पिता हमारे अंदर भरना चाहते हैं खुदा। मेरे परमेश्वर उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर पिता, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तू परमेश्वर उनको उनको ट्रांसफॉर्म कर दे, उनको उद्धार में लेकर आ, या फिर उनको खत्म कर दे। परमेश्वर मैं तुझसे मांगती हूँ यीशु मसीहा, मैं तेरे से विनती करती हूँ यीशु मसीहा, या तो परमेश्वर उनको ट्रांसफॉर्म कर या उनको खत्म कर दे। परमेश्वर मेरे अब्बा पिता और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, और ये जल्द से जल्द तू करने के लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे अब्बा पिता शैतान के काम करने वालों को तो आजादी मत दे खुदा, तो आजादी मत दे परमेश्वर, उनको बंदिशों में बांध ले खुदा परमेश्वर, उनको बाउंड्री लाइन दे दे परमेश्वर कि वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं आना चाहिए। अब परमेश्वर हमारे घर परिवारों को तू बाउंड्री कर परमेश्वर, कि वो बाउंड्री को शैतान के कोई भी जगत के लोग हमारे जीवन के अंदर नहीं आएंगे। अब पिता उनके कोई शक्तियां हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी मेरे पिता परमेश्वर, हमें कोई भी प्रकार से परमेश्वर उनके हाथों में कनेक्ट होने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर मैं तुझसे विनती करती हूँ वो सब कनेक्शन के ऊपर तेरी आग लग जाए और वो भस्म हो जाए पिता, जो भी हमें शैतान के आत्माओं से कनेक्ट करते हैं वो लोग लोगों के अंदर आग लग जाए और वो कनेक्शन करने वाली शक्तियों को जल के भस्म होने दे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, ये ऐसा तड़ाका लगने की जरूरत है परमेश्वर, ये तड़ाका मजबूती से लगा खुदा, मजबूती से ऐसा हथियार मार दे खुदा परमेश्वर कि वो दोबारा कभी भी शैतानी जगत से कुछ ला नहीं सकेंगे। मेरे आबा पिता कौन सी जगह में जाकर उन्होंने कहां कहां से पावर्स पाने के लिए परमेश्वर रिचुअल्स किए हैं और शैतान के साथ कवनेंट्स किया है, उसके ऊपर ऐसा हथियार मार दे परमेश्वर, ऐसा मुकाबला कर परमेश्वर, तेरे स्वर्ग दूत को भेजकर ऐसा मुकाबला जड़ा दे उनके ऊपर परमेश्वर कि वो ना कवनेंट्स याद रखेंगे और ना वो कोई भी किया हुआ काम जो पावर्स पाने के लिए होता है वो कुछ भी याद नहीं रखेंगे, सब कुछ वो छोड़ देकर वो यीशु मसीह के सामने घुटना टेक देंगे। मेरे यीशु मसीहा तुझे ये चमत्कार करने की जरूरत है, अगर तेरे लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर तेरे कब्र के मुंह से पत्थर हटा सकता है तो मेरे लिए भी परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत भेज दे और ये शैतान के काम करने वालों के पावर्स लेकर आने के सारे करतूतों को फेल कर दे और उनके हाथों के सारे काम बिगाड़ दे परमेश्वर, जो मसीह भाई बहनों के विरोध में है खुदा वो सब कुछ तितर पितर कर दे परमेश्वर, जो हमारे विरोध है परमेश्वर उसको सब कुछ हटा दे परमेश्वर, उसे गिरा दे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, तेरा मजबूत दाहिना हाथ हमारे लिए सहायता करे खुदा, तेरा करुणा मैं परमेश्वर तू तू हमारे ऊपर करुणा कर खुदा, हम पर तू परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि कर परमेश्वर, हमको नूह के समान तेरी सुरक्षा कवच में रख ले खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं यहवे परमेश्वर। और रीबा खाला रखा सिखे रिबे रखे तीना खा सियांसो को बोरो को तीना खा सियांसता, मेरे परमेश्वर जब भी वो लोग हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं खुदा, जहां पर हम पहचान नहीं सकते हैं लेकिन वो हमारे नजदीक आके जाके रहना चाहते हैं, मेरे खुदा परमेश्वर अब्बा पिता उनके ऊपर ऐसा तड़ाका लगा दे खुदा, जब भी वो हमारे नजदीक आने के लिए मार्ग पकड़ेंगे तो ऐसे उनको फटकार मेरे खुदा परमेश्वर कि वो शक्तियां उनको लेके ऐसा भाग जाए खुदा कि वो कहीं के ना रहे। खुदा परमेश्वर तू उनको हमारे नजदीक आने मत दे खुदा,
तो उनको हमारे करीब आने मत दे यशुआ। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता वो कोई भी प्रकार से हमारे नजदीक भटकने मत दे खुदा। अगर वो हमारे नेबरहुड्स में या हमारे पिता बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर कहीं पर भी है खुदा परमेश्वर, तो वहां पर ऐसा परमेश्वर तमाशा कर दे खुदा, ऐसा तबाही लगा दे खुदा परमेश्वर कि वो पावर्स उनके अंदर रुकना मुश्किल हो जाएगा और वो ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे। खुदा परमेश्वर ऐसा मजबूती का तो तहलका मचाने की मैं तुझसे विनती कर रही हूं, क्योंकि ये आसान तरीका नहीं है परमेश्वर, इनके लिए युद्ध करने वाले स्वर्ग दूतों की जरूरत है अब्बा परमेश्वर। मेरे अब्बा पिता यीशु मसीह को अगर तू मुर्दों में से जिला सकता है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए जरूरी है खुदा। हम पिता यहां पर तेरी दया के अनुसार रहते हैं खुदा परमेश्वर। मेरे अब्बा पिता हम तुझे विनती करते हैं खुदा, इस एरिया के अंदर, इस सिटी के अंदर तेरा राज्य बढ़ता जाए परमेश्वर। तूने हमें योजना के अनुसार इस जगह में लाया है खुदा, और ये योजना को पूरा करते समय खुदा ये शैतान के जगत के लोग जो भी परमेश्वर हमारे विरोध हिंड्रेंसेस लाते हैं, वो सब हिंड्रेंसेस को तोड़ना जरूरी है परमेश्वर। उनके पावर्स और प्रिंसिपालिटीज को तड़ाखा लगना जरूरी है परमेश्वर। मेरे यीशु मसीहा, उनके काले रोब्स के अंदर इतनी ताकत नहीं जितने मेरे पास धार्मिकता का रोब है खुदा। मेरे परमेश्वर मेरे भाई बहनों के ऊपर यीशु मसीह के धार्मिकता का रोब है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें स्तुति का वस्त्र पहनाया है, जो पिता प्रेजेस के गारमेंट्स तूने हमें दिया है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं अब पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर अंधकार की शक्तियों का प्रबल होना हम स्वीकार नहीं सकते हैं खुदा, हम उसे मंजूर नहीं कर सकते। हमारे फाइनेंसेस में, हमारे अफेयर्स में, हमारे लाइफ अफेयर्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे व्यवहारों में, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में खुदा हम शैतान के इस बातों को, एजेंट्स को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी काम करें परमेश्वर, हम कहीं पर भी रहे खुदा, हम शैतान के एजेंट्स के शिकार नहीं होना है खुदा। खुदा परमेश्वर हमको वो अद्भुत तेरा ताकत दे जो दानियल को दिया था तूने। तूने दानियल को शेर के पिता कब्जे में जाने तक परमेश्वर तूने कुछ नहीं किया, और शेर के कब्जे में जाने के बाद भी परमेश्वर पिता तूने शेर को उसको खाने नहीं दिया। मेरे परमेश्वर भूखा शेर था लेकिन वो दानियल को खा नहीं पाया, लेकिन वो सीक्रेट परमेश्वर तू जानता है कि उसको क्यों नहीं खा पाया। मेरे यीशु तू सीक्रेट जानता है तूने लाल समंदर को कैसा दुभाएगा, तू सीक्रेट जानता है कि चौथा इंसान बनकर यीशु मसीह जो वो आग की भट्टी में कैसे था, शद्रक मशक अबेदनेगो को आग लगने नहीं दिया, आग के गंध भी उनको छूने नहीं दिया। मेरे परमेश्वर ये तूने कहा है, तू पानी में से चलेगा पानी तुझे डुबाएगी नहीं, तू आग में से चलेगा आग तुझे झुलसाएगी नहीं। मेरे परमेश्वर ये सीक्रेट तेरे को तुझे पता है खुदा। खुदा तुझे पता है जब हम वचन कहते हैं जितने हथियार हमारे विरोध हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जो लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करना चाहेंगे उनसे हम जीते जाएंगे। परमेश्वर के दासों के लिए यही वचन है और यही परमेश्वर के दासों का भाग है। मेरे परमेश्वर ये कैसा काम करता है ये तुझे ही पता है। तुझे ही पता है कि कौन से हथियार हमारे विरोध बने थे। तूने कहा बहेलिए के जाल में तू हमें फंसने नहीं देगा। ये बहेलिए के जाल क्या है, कैसे है, और तू कैसा हमको उसके अंदर फंसने नहीं देगा, ये सीक्रेट तुझे ही पता है खुदा। मेरे परमेश्वर ये सीक्रेट तेरे ही हाथों में है खुदा परमेश्वर। ये गुप्त और रहस्य की बातें तेरे ही बातों में है खुदा। खुदा परमेश्वर इसीलिए तेरे ऊपर टेक लेने वाला कभी शर्म से झुकेगा नहीं खुदा, क्योंकि तेरे ऊपर टेक लेने वाला जानता है, बखूबी जानता है खुदा कि तेरे पास ऐसे रास्ते हैं खुदा जो कोई पक्षी नहीं जानता है, और कोई भी आकाश में उड़ने वाला कोई भी रास्ता नहीं जानता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर का अद्भुत मार्ग है वो। हालेलुया, मेरा अब्बा पिता मैं तुझे विनती करती हूँ, तू वो मार्ग जानता है कैसे तू हमको शैतान के तड़ाके में से तू हमें छुड़ाएगा। तू कैसे छुड़ाएगा ये तुझे पता है खुदा। शैतान के सारे जंजीरों में से तू हमको कैसे छुड़ाएगा ये तू जानता है परमेश्वर। हम तेरे ऊपर टेक लेते हैं खुदा, हम तेरे ऊपर टेक लेते हैं। अब पिता तूने यरीहो की दीवार गिराते समय तूने कहा था इसराइलियों को कि वो गीतों को गाए, वो प्रेज करे, वो परमेश्वर को स्तुति का बलिदान दे। मेरे परमेश्वर
और यरीहो की दीवार गिर गई, और वो भी इज़राइल के तरफ नहीं गिरी, वो इज़राइल के बाहर की तरफ गिरी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, तू कैसे चमत्कार करता है खुदा, तू महान महान ऐसे काम करके खुदा शैतान को शर्म से झुका देता है। ये सारी ताकतें तो शैतान की ही है खुदा, जो हमारे ऊपर चढ़ाई किए हैं वो सब कुछ शैतान का ही तो है खुदा। मेरे परमेश्वर, उनको झुकाना तू जानता है परमेश्वर। इसके लिए कभी भी पिता हम तेरे से अलग ना हो खुदा, हम तेरे ही सामने झुके रहे पिता, हम तुझी से मांगते रहे खुदा, हम केवल तेरे ऊपर गिड़गिड़ाते रहे, तेरे ऊपर मांगते रहे, तेरे से ही परमेश्वर हम आशा लगाए रहे, हम अपने रास्ते को भटक ना जाए परमेश्वर। हम तुझे विनती करते हैं अब पिता कि तू कितने महान चमत्कार कर चुका है पिता, और एक चमत्कार यहां पर होने दे खुदा, और एक चमत्कार ऐसा कर कि हमारे अंदर इतना अभिषेक भर दे खुदा परमेश्वर, हमारे नजदीक कोई सैटनिक एजेंट रुकने की कोशिश नहीं करेगा, हमारे घर परिवार के नजदीक आने की वो कोशिश नहीं करेगा। अब परमेश्वर तुझे ये अभिषेक करने की जरूरत है खुदा, क्योंकि परमेश्वर जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला गया था, वैसा ही परमेश्वर पिता हमारे भी इस अंत के दिनों में परमेश्वर, अंतिम समयों में परमेश्वर पिता ऐसे शैतान के युद्ध हम पर आते हैं खुदा, जिसके बारे में बात करना भी परमेश्वर मुश्किल पड़ जाता है। अब पिता परमेश्वर, इसीलिए हम तुझसे वो अभिषेक मांग रहे खुदा, वो अभिषेक जो दानियल को शेर के केज के अंदर डाल दिया गया था, फिर भी भूखा शेर उसके ऊपर टूट नहीं पड़ा। मेरे खुदा परमेश्वर, वो ही अभिषेक, वो एक गुप्त की बात है खुदा, वो एक अनॉइंटिंग है, जो पिता दाऊद कहता था कि मैंने ऐसे तरह से शेर को फाड़ दिया था, जब वो मेरे भेड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता था तो मैंने उसको ऐसे फाड़ दिया। ये कैसे किया तूने मेरे परमेश्वर, ये तुझे ही पता है खुदा, ये गुप्त में तू काम करने वाला परमेश्वर है। तूने दाऊद के अंदर ऐसा कौन सा पिता अनॉइंटिंग रखा था कि उसने इतना अभिषेक परमेश्वर कि गोलियात के सर को काट के उसे गिरा कर उसे खींचते हुए अपनी जगह तक लेकर गया था। मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर अभिषेक का वो गुप्त मार्ग तुझे ही पता है, वो गुप्त अभिषेक तो हमारे अंदर खोल दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, वो अभिषेक खोलने की अब जरूरत है परमेश्वर, वो अभिषेक को प्राप्त करने की अब जरूरत है परमेश्वर। ये युद्ध के अंदर हम तेरे अभिषेक से भरकर रहना जरूरी है परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं यहवे परमेश्वर, ओ रीबा खाला रहा सिखे रिबे रेखे तीना खा सियान सुखो बोरो को रेदा नखा लहाता नखा सिखे तीना खा नमहाता नखा सियान तुरा रुदान तिखे रेखे तीना खा रहाता नखा सियान सुखो बोरो को तीना खा सियान था। मेरे परमेश्वर, वो अभिषेक दे खुदा हमको, वो अभिषेक दे खुदा परमेश्वर हमको। कैसे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर धन्यवाद करते हुए रोटी को तोड़कर लोगों के बीच में बांट दिया, मछलियों को बांट दिया, और वो 5,000 खा चुके और 12 टोकरियां बच गई। मेरे परमेश्वर, ये अद्भुत चमत्कार है परमेश्वर, ये एक अभिषेक है खुदा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझ पर अभिषेक रखा गया है। हालेलुया। मेरा अब्बा पिता वो कबूल किया है कि उसके ऊपर तेरा अभिषेक रखा गया था, ये अभिषेक हमारे ऊपर रख खुदा। मेरे परमेश्वर, वो पानी के ऊपर चला था, वो अभिषेक हमारे अंदर रख खुदा। वो तूफानों को शांत किया था, वो अभिषेक हमारे अंदर रख परमेश्वर, हमारे अंदर वो अभिषेक रख मेरे अब्बा पिता। और रिबा खा ला रखा सिखे रिबी खेती न खा सियान सोखो बुरो खो सिया रेदा न खा लाहता न खा सिखे ती न खा न मरा सियान तुरा। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन को जो बैड ड्रीम्स के द्वारा शैतान ने कनेक्ट हुए हैं, कोई भी शैतान के राज्य का कुछ भी कनेक्शंस आया है, वो बैड ड्रीम्स परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर, जो भी शैतान ने हमारे अंदर बीज बोया होगा वो सब कुछ जला के नाश कर दे खुदा परमेश्वर, वो जला के नाश कर दे आबा पिता, वो पूरी तरह से जला के नाश कर दे। स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ्स यीशु मसीह के नाम से आग से जल के भस्म हो जाए, और परमेश्वर पिता स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस यीशु मसीह के नाम से आग में जल के भस्म हो जाए,
और परमेश्वर पिता, स्पिरिचुअल कवनेंट्स जो भी शैतान के राज्य से हमारे जीवन में आए हैं, यीशु के नाम से हम उसे जला के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम स्पिरिचुअली परमेश्वर पिता शैतान के राज्य से कोई कनेक्शंस नहीं रखे। हम यीशु के लहू से उसकी डोर काट देते हैं, हमारे ब्लड लाइन में से काट देते हैं, हमारे खानदान के नाम में से काट देते हैं, हमारे आज के इस पृथ्वी के जीवन में से काट देते हैं, मसीह यीशु के नाम से काट देते हैं। और रीबा खा ला रखा रेती ना खा नमा खा शेखे रेबी रेखता ना खा सियांसो को बुर्रो को तीना खा सियांसता। मेरे परमेश्वर तू अपनी दया से हमको लेकर चल खुदा, तू अपनी दया से हमको लेकर चल परमेश्वर, तू अपनी दया से हमको लेकर चल खुदा, तू अपनी दया से हमको आगे लेकर चल परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू अपनी दया से हमको लेकर चल, हमारे मन की गंदगी को हटा दे खुदा, हमारे मन के हौसले जो टूट गए हैं उसको दोबारा खड़ा कर परमेश्वर, हमारे सोचों के कल्पनाओं के जो क्षेत्र है बिगड़ गए हैं गुस्से के कारण या कोई भी परमेश्वर पिता खराब भावनाओं के कारण, मेरे पिता जो भी हमारे सोच विचार कल्पनाएं बिगड़ चुकी है उसमें तू रिपेयर कर खुदा, उसे तू परमेश्वर नया बना दे खुदा। हमारे जीवन के अंदर हर जगह में जो शैतान के कारण परमेश्वर, जो शैतान के पिता युद्ध के कारण पिता हमने ना समझते हुए ठोकर खाते हुए परमेश्वर जो भी हमने सहन किया है और परमेश्वर हमको समझ में नहीं आया था ये क्यों हो रहा है और अब हम समझ चुके हैं ये शैतान के कारण हुआ है, तो मेरे खुदा अब हमें तू वो सारे पिता बिगड़ी हुई बातों में सरल कर परमेश्वर, सब कुछ टूटा फूटा सब कुछ आज तू स्थिर कर दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं मसीह यीशु के नाम से, हम तुझे विनती करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने कहा है पिता तू गिलियाद का बाम है, मेरे परमेश्वर मेरे अब्बा पिता तू हमारे लिए चंगाई का ऐसा बाम है परमेश्वर, तू हमें चंगाई दे दे, हमारे सब एरिया ऑफ लाइफ में चंगाई दे दे हमें पिता। तू एक तंदुरुस्त पवित्र परमेश्वर, तेरे लिए भाता हुआ बलिदान ऐसा हमें तू बना खुदा परमेश्वर। मेरे आबा पिता हम तुझसे विनती करते हैं सारे शैतान के हथियार हमारे अंदर से निकाल दे परमेश्वर, निकाल दे परमेश्वर, निकाल दे आबा पिता हमें परमेश्वर। खुल कर पिता हम तुझे तुझे प्रशंसा दे, हम तुझे गौरव दे, हम तेरे लिए परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य से भरते हुए आगे चले, ऐसा अद्भुत चमत्कार तू हमारे जीवन में कर परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ यहवे परमेश्वर। ओ रे बाखा ला रखा सिखा रबा हाता ना खा सियान सोखो बोरो को री हाता ना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यहवे परमेश्वर। भर दे हमको वो सब खाली जगहों में, भर दे तेरे आत्मा से, भर दे यीशु मसीहा तेरे वचनों से, भर दे यीशु मसीहा अभी अभी इसी समय से तेरे अभिषेक को हमारे अंदर उतरने दे परमेश्वर। हम आजाद करते हैं अपने आप को, तुझे समर्पित होते हैं, सब कुछ हमारा, सब में सब कुछ हमारा तू ही है परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हूँ, सुन और कबूल कर अब्बा पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो यीशुआ, धन्यवाद हो अब्बा पिता, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, thank you father, thank you master, thank you, 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 holy lord, I thank and praise you, praise you, praise you, I give you glory, glory, honor and praise father god, in jesus christ's name, amen, amen, amen.